तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जवान बिल्कुल तबाही मचा रहा है, बिल्कुल ये मूवी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, ऐसा आंकड़ा कोई किसी ने एस्टिमेट भी नहीं किया होगा, किसी ने इमेजिन नहीं करा था। पीवीआर, सिनोपोलिस और आईनेक्स को मिलाकर जो धमाकेदार कलेक्शन किया है, बाहुबली 2 चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को भी बीट करने के आसपास पहुंच रही है। बिल्कुल उसके बाद पठान को तो बीट कर ही दिया है, इसने वॉर को भी बीट कर दिया, KGF 2 को भी बीट कर दिया है। यहाँ पर नेशनल चेन्स के आंकड़े की बात करूँ तो भाई किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि ये मूवी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी। मतलब जब पठान आई थी, पठान के टाइम पे एक इमोशनल कनेक्शन मिला था, एक इमोशनल सिंपथी टाइप का मिला था, क्योंकि 4 साल के बाद जब एंट्री ली थी शाहरुख खान ने, तो लोगों ने सोचा चलो देखते हैं आफ्टर 4 ईयर क्या बदलाव आता है, क्या है कहानी में। लेकिन वही बात है कि कहानी में इतना लॉजिक नहीं था, लेकिन पठान फिर भी 1000 करोड़ क्रॉस कर गई थी। लेकिन अब जो क्या कहते हैं, मूवी को इतने अच्छे रिव्यू मिल रहे, क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। हाँ, कुछ हेटर्स हैं, लेकिन उन हेटर्स को पूरा मुंह पे तमाचा मार के जवाब दिया है जवान ने। सुबह से ही खचा खच थिएटर भरे पड़े हैं, लाइंस में लगी पड़ी हैं, लाइंस भीड़ लगी पड़ी है थिएटर के बाहर, बुकिंग नहीं मिल रही है लोगों को। बाय गॉड, सुबह 6 बजे से ही फुल हाउस फुल शो चल रहे हैं, शाम 6 बजे के बाद तो और भी तबाही, और भी ज़्यादा फुल हाउस फुल शो चल रहे हैं। तो अभी बात करेंगे नेशनल चेन्स में जवान अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है। 3:30 बजे तक के मेरे पास अपडेटेड आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद फिर 8 से 9 बजे के आसपास जब मैंने चेक किया था तो इतना ऑफिशियली नहीं था, वो प्रिडिक्शनेबल आंकड़ा था, तो वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जो 3:30 बजे तक का है वो ऑफिशियल आंकड़ा है मेरे पास, PVR, सिनेपोलिस और INX को मिलाकर। इसके बाद हम Day 1 पर अभी 6 बजे तक कितनी कलेक्शन कर ली है जवान ने, Day 1 पर 6 बजे तक कितनी कलेक्शन कर ली है उस पर बात करेंगे। उसके बाद भी है 8 से 9 बजे तक का, लेकिन वो भी फ्लेक्सिबल आंकड़ा है, प्रिडिक्शनेबल आंकड़ा है, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन ये सारे आंकड़े कल सुबह 6 बजे तक या फिर 8 बजे तक ऑफिशियली अपडेट हो जाएंगे, तो उस पर सुबह एक बार फिर वीडियो बनाई जाएगी कि वहाँ से पता लग जाएगा कि फुल डे जवान ने नेशनल चेन्स पे, उसके बाद नेट बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है, कितना नहीं किया है, वो सुबह 6 बजे तक फुल डे का आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अभी बात करेंगे कि 6 बजे तक और उसके बाद ओवरसीज़ में 8 से 9 बजे तक कितने आंकड़े रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, PVR, सिनेपोलिस और INX को मिलाकर 3:30 बजे तक का आंकड़ा ये बता रहा हूँ, 25.5 करोड़ कलेक्शन ये कर चुकी थी फर्स्ट डे में जवान, आज Day 1 पर। या दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर अगर मैं बात करूँ तो अभी तक कितने टिकट्स बेच चुके हैं, तो बाहुबली Chapter 2 नंबर 1 पर है अभी भी स्टिल। जो एक बार के लिए लग रहा था कि जवान तोड़ देगी ये रिकॉर्ड, एक बार के लिए ये भी लग रहा था कि पठान तोड़ देगी ये रिकॉर्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहुबली 2 Chapter 2 2017 में ये मूवी आई थी, और वहाँ पर जब इतना कोई एडवांसमेंट नहीं था, इतना एडवांसमेंट आज है, उस टाइम पर इस मूवी ने 6.5 लाख टिकट बेचे थे Day 1 पर, 6.5 लाख, और आज भी कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाया है। कौन कर सकता है, बिल्कुल कोई अंदाज़ा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये ब्रेक कर जाएगा, लेकिन अब जो है, अब टाइगर के कंधे पर जाता है ये भार, शायद Tiger 3 बीट कर सकती है इस आंकड़े को आराम से। तो इसमें नंबर 1 पर बाहुबली 2 है, 6.5 लाख का टिकट बेचे थे इसने फर्स्ट डे पर, और सेकेंड में अब जवान आ चुकी है, 5.57 लाख टिकट ये बेच चुके हैं। पहले पठान थी सेकंड नंबर पर, जो अब थर्ड पर आ चुकी है, 5.56 लाख टिकट बेचे थे। उसके बाद KGF 2 है, उसके बाद वॉर है। तो नेशनल चेन्स में Day 1 पर मैं अगर बताऊं तो पठान ने 27 करोड़ कलेक्शन किया था, और KGF 2 ने 22 करोड़ का कलेक्शन किया था, और वॉर मूवी ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने Day 1 पर नेशनल चेन्स में। लेकिन जवान ने 3:30 बजे तक ही 25.5 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था, 3:30 बजे तक ही, और उसके बाद लगभग 6 बजे के आसपास देखा था तो मैंने लगभग 27 करोड़ के आंकड़े के आसपास ये चल रही थी, और 8 से 9 बजे तक ये प्रिडिक्शनेबल एक आंकड़ा था कि लगभग 30 करोड़ के आंकड़े को ये टच कर चुकी थी नेशनल चेन्स में Day 1 पर जवान। इसी के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और IMAX हिंदी को मिलाकर 6 बजे तक 63 करोड़ के आंकड़े को कलेक्ट कर चुकी है जवान अपने Day 1 पर। जी हाँ दोस्तों, 6 बजे तक, और अभी पूरे 12 बजे तक शो चले हैं, पूरे 12 बजे तक तो कोई आंकड़ा अभी ढंग से क्लियर आया नहीं। 8-9 बजे के आसपास एक प्रिडिक्शनेबल आंकड़ा आया था कि मूवी 67 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है या टच कर चुकी है, उसके आसपास देखने को मिला था। तो कल सुबह 6 बजे तक या सुबह 8 बजे तक ये भी आंकड़ा क्लियर आ जाएगा कि कितना मूवी कलेक्ट कर चुकी है। मेरे अनुमान से कल सुबह 6 बजे तक अगर मुझे देखने को मिलेगा तो Day 1 पर जवान 70 करोड़ टच करेगा ही करेगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और IMAX के कलेक्शन को मिलाकर।
करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे तक इतना आंकड़ा है। तो शाम को फुल हाउसफुल शो चल रहे थे, फुल भीड़ चल रही थी, तो बहुत से सोच मिले हैं। रात के 12 बजे तक काफ़ी सोच चले हैं जवान के पास। तो 70 करोड़ ईजी है इसके लिए टच करना। मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि 70 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा, ईजिली क्रॉस कर जाएगा। इसके साथ ओवरसीज से अगर अपडेटेड आंकड़ा बताऊँ 8 बजे तक का, तो इसके आसपास अराउंड 8 बजे के आसपास 40 से 42 करोड़ क्रॉस कर चुका है ये आंकड़ा। और पठान का क्या था, पठान का डे वन पर आंकड़ा क्या था, 40 करोड़। तो इसको तो ये 8 बजे ही क्रॉस कर गया। अभी 9, 10, 11, 12 इसके बीच में कितने सोच चलने हैं, काफ़ी हर जगह पे चलने, कोई एक सिटी पे नहीं चलने, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ पे चलने हैं जहाँ पर रेट भी हाई हैं किसी किसी प्राइस के, तो चलने हैं वहाँ पर 12 बजे तक। तो ये भी आंकड़ा कल सुबह 8 बजे तक या सुबह 6 बजे तक क्लियरली आ जाएगा कि ओवरसीज़ से कितना कमा चुकी है। मेरे अनुमान से 50 करोड़ डे वन पर ओवरसीज़ से कहीं नहीं गया, ईजिली टच करेगा, ईजिली सुबह 8 बजे तक या फिर सुबह 6 बजे तक सारे अपडेटेड आंकड़े आ जाएंगे, तो एक बार फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही, और इतने में ही जो धमाल मचा रही है जवान, नंबर वन पर आ चुकी है डे वन पे, 2023 में नंबर वन पे आ चुकी है। जो पठान थी पहले, अब पठान सेकेंड पे आ चुकी है, जवान अब नंबर वन पे आ चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, नेशनल चैंस में, और उसके बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो आपको क्या लगता है कि डे वन पर जवान 150 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये फटाफट आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। और आप लोगों में से किस किस ने मूवी अभी तक देख ली है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।